नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने बिहट्टा एयरपोर्ट को दी मंजूरी। बिहार में टीबी उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों की लापरवाही पर दिखाई सख्ती। वेतन के लिए रख दिए सर। आज पूरे बिहार में इमरजेंसी सेवा ठप। रोहित शर्मा के लग्जरी कार ने फैंस को अपनी तरफ किया आकर्षित। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहट्टा एयरपोर्ट को दी मंजूरी। बिहार के बिहट्टा एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की पहल पर बिहट्टा एयरपोर्ट की बाधाएं दूर हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1413 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे एयरपोर्ट के अधूरे काम को पूरा किया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा के विस्तार के लिए अपेक्षित जमीन जिला प्रशासन शीघ्र ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध करवा देगा। राशि और जमीन की उपलब्धता के बाद तय समय सीमा में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। महिला डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत के मामले में आज पूरे बिहार में इमरजेंसी सेवा ठप। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत ने पूरे देश को दहला दिया है। देश के कई डॉक्टर्स इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बिहार का आलम भी कुछ यही देखने को मिल रहा। बिहार के सभी अस्पतालों में शनिवार के सुबह 6 बजे से रविवार के सुबह 6 बजे तक ओपीडी सेवा और सामान्य कार्य ठप रहेंगे। हालांकि इस दौरान गंभीर मरीजों के इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आपको बता दें कि इससे पहले 14 अगस्त को भी इस मामले के विरोध में अस्पतालों की ओपीडी सेवा ठप देखने को मिली थी। सुल्तानगंज से पुल गिरने का मामला आया सामने। अभी हाल में ही बिहार में दर्जनों पुल गिरने के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने इन पुलों का सर्वे करवाया। अब इसी बीच सुल्तानगंज से पुल गिरने की खबर सामने आई है। दरअसल सुल्तानगंज फोर लेन पुल की पिलर संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। इस पुल को 1710 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। ये हादसा शनिवार सुबह देखने को मिला है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक गंगा में आए बाढ़ और तेज बहाव के कारण पिलर संख्या 9 के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा शेष बच गया था, जो अचानक ढहकर पानी में समा गया। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों की लापरवाही पर दिखाई सख्ती। वेतन के लिए रख दिए सर्त। शिक्षा विभाग ने बीते 2 महीने में कई बार स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में अद्यतन रिपोर्ट देने की बात विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को कही थी, लेकिन इन आदेशों के बाद भी अभी तक विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। विभाग ने विश्वविद्यालयों को स्पष्ट कर दिया है कि जो विश्वविद्यालय अपनी रिपोर्ट को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उसे ही जुलाई का वेतन राशि जारी किया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने कुलपतियों पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि कई बार निर्देश देने पर भी विश्वविद्यालयों की तरफ से शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में रिपोर्ट भेजने में लापरवाही बरती जा रही है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि रिपोर्ट भेजने के बाद ही संबंधित विश्वविद्यालयों को जुलाई की वेतन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बिहार बढ़ रहा आगे। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बिहार तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस बार सबसे कम संख्या में मरीज पाए गए हैं। इस वर्ष पूरे राज्य में महज 185 नए मलेरिया के मरीज ही पाए गए हैं। मलेरिया के खतरनाक किस्म पीएफ मलेरिया में कमी आई है। मलेरिया से मरीजों की मौत की खबर भी इस बार सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि बिहार में काला जार के प्रभाव को भी कई प्रयासों के बाद कम कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 99% बच्चों का शिक्षा विभाग के पास नहीं है रिकॉर्ड। शिक्षा विभाग के पास बिहार के 99% प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में 14,000 रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 32.77 लाख है और इसमें केवल 14,000 बच्चों के रिकॉर्ड ही शिक्षा विभाग के पास मौजूद हैं। अब बात करें सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2.20 करोड़ है।
इनमें से 1.50 करोड़ बच्चों का रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास जमा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल के बच्चों का रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास नहीं होने से उन्हें विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या कितनी है, स्कूल बच्चों से कितनी फीस वसूल रहा है और क्लास में छात्रों की संख्या कितनी है, ये निजी स्कूल मानकों के मुताबिक स्कूल का संचालन कर रहे हैं या नहीं। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का रिकॉर्ड शिक्षा विभाग पिछले 2 महीने से मांग रहा है, बावजूद इसके स्कूल इस मामले में लापरवाही बरत रहे। बिहार में टीबी उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीबी रोग से पीड़ित लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि टीबी की जांच को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अगले 2 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि 2024-25 के लिए 1500 और 2025-26 के लिए 2000 जांच प्रति लाख आबादी पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जांच राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों के विभिन्न संस्थानों में टीबी जांच की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से 230 कार्टन विदेशी शराब हुए जब्त। बिहार में एक बार फिर से शराब तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर के गाय घाट थाना क्षेत्र के मैथी टोल प्लाजा के पास से विदेशी शराब को बरामद किया है। दरअसल ये शराब उड़ीसा नंबर के ट्रक के कंटेनर से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। शराब की ये तस्करी चाय पत्ती की आड़ में की जा रही थी। मौके से ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि ट्रक में लोड 230 कार्टन शराब की खेप को जब्त किया गया है। जमीन अधिग्रहण नहीं होने की वजह से कई सड़क परियोजनाओं का अटका काम। जमीन अधिग्रहण नहीं होने की वजह से बिहार में कई सड़क परियोजनाएं अटकी हुई हैं। इस परेशानी को देखते हुए जमीन अधिग्रहण करवाने की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग ने अपनी देखरेख में ले लिया है। इसके लिए पथ निर्माण विभाग में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के तौर पर सेवा ली जाएगी। इसके लिए विभाग काम कर रहा है, उस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को फिर से शुरू करने के सीएम नीतीश ने दिए निर्देश। 16 अगस्त को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में देखने को मिली थी। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कर रहे थे। इस दौरान सीएम नीतीश ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम नीतीश ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बचे हुए टोलों के लिए भी पथों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाएं, जिससे उनकी संपर्कता सुलभ हो। बैठक के दौरान ग्रामीण सड़कों और पुलों की योजनावार विस्तृत जानकारी ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया है कि छूटे हुए बसावटों में संपर्कता प्रदान करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। रेरा ने 3 बिल्डरों के विरुद्ध जारी किया वारंट। 3 बिल्डरों को रेरा ने ग्राहकों के 82,57,816 रुपये लौटाने की बात कही थी। रेरा के आदेश के बावजूद भी 3 बिल्डरों ने लापरवाही बरती और पैसे नहीं लौटाए, जिसके बाद इनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। साथ ही पाटलीग्राम बिल्डर्स लखन होम्स प्राली और जेस्कॉन इंटर बिल्ट प्राली पर कार्रवाई करने के रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और सदस्य SD झा की संयुक्त पीठ ने आदेश दिए हैं। CBSE ने प्राइवेट स्कूलों में NCERT किताबें चलाने का दिया सख्त निर्देश। बिहार समेत देश के अन्य कई राज्यों में निजी स्कूल भारी भरकम और महंगी किताब खरीदने पर पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं। इससे सामान्य परिवार के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल की भारी भरकम फीस भरने के बाद महंगी किताब खरीदने से सामान्य परिवार के लोगों का बजट बिगड़ जाता है। किताब के नाम पर स्कूल भी अच्छी खासी रकम वसूलते हैं। अब इसे देखते हुए CBSE ने सख्ती दिखाई है। CBSE ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि CBSE से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को 1 से 8वीं तक NCERT की किताबें ही चलानी होंगी। इसकी जाँच बोर्ड कभी भी और कहीं भी कर सकता है। जाँच के दौरान यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर कही ये बात। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली कहे जाने वाले नेता अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकल चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने न्यूज 18 से खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जेल से बाहर आ गया हूँ, अब जनता के बीच रहूंगा। मैं जेल से निकलने के बाद मंदिर गया, बचपन से मंदिर जाता हूँ। तेजस्वी यादव के बयान नीतीश कुमार फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं, पर उन्होंने कहा कि हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। नीतीश कुमार को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि वो अच्छे व्यक्ति हैं और तभी तो इतने सालों से बिहार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जा रहे लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए हुए रवाना। आज पटना से दिल्ली के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रवाना हो गए हैं। लालू यादव के साथ राबड़ी देवी भी दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। दिल्ली से लालू यादव सिंगापुर जाएंगे ताकि वे अपने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर हेल्थ चेकअप करवा सके। मालूम हो कि बीते साल दिसंबर के महीने में लालू प्रसाद यादव ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। इस सर्जरी के बाद वे सिंगापुर अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं। रोहित शर्मा की लग्जरी कार ने फैंस को अपनी तरफ किया आकर्षित। रोहित शर्मा की लग्जरी कार ने फैंस को अपनी तरफ किया आकर्षित। मुंबई की सड़कों पर रोहित शर्मा अपनी लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी उरूस चलाते हुए दिखाई दिए। इसमें सबसे खास रहा रोहित शर्मा की लग्जरी कार का नंबर प्लेट। इसमें रोहित शर्मा की कार की तरफ कितने फैंस का ध्यान खींचा। दरअसल भारतीय कप्तान के कार का नंबर 0264 है। ये नंबर रोहित शर्मा के साथ उनके फैंस के लिए भी बेहद ही खास है। दरअसल ये नंबर रोहित शर्मा के वनडे प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर से प्रेरित है। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर वर्ष 2014 में 264 रन की पारी खेली थी, जो वनडे के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है राकेश मिश्रा, मंजीत कुमार, वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, सुमन कुमार मिश्रा, ओमकार सिंह, बलराम मंडल, नुन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, नितेश कुमार सिंह, गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, वरुण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लगातार पुल गिरने या टूटने की घटना सामने आ रही है, आपके मुताबिक इसकी प्रमुख वजह क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।